पे मैं स्लो मोशन कर पा रहा हूँ गाइस, स्लो मोशन हो रहा है यहाँ पे। अब कैसे करना है ये मैं आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। गाइज हेलो गाइज, यार आप कैसे हो गाइज? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। गाइज यार आप लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है यार, इस वीडियो में आपको बताऊंगा। ये प्रॉब्लम आ रही है कि यार आप लोग यार स्लो मोशन कैसे करते हैं। देखो मैं गाड़ी स्पीड में लग गया तो और मेरी क्रैश हो जाती है, मुझे क्रैश से बचाना होता है। आपने काफ़ी गेम प्ले वीडियोज़ में देखा होगा उसमें स्लो मोशन आपको करना होता है, यानी नहीं हो पाता स्लो मोशन। और गाइज अब यार आपका स्लो मोशन का सोल्यूशन मैं लेके आ चुका हूँ, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो यार। आज की वीडियो में आपको बताऊँगा आप कैसे स्लो मोशन कर सकते हो। ये आपके लिए भी काफ़ी हेल्पफुल वीडियो और मेरे लिए भी हेल्पफुल वीडियो थी, और मैंने इसको काफ़ी सर्च किया और मुझे समझ आया तब भी गाइज। तो आप लोगों को मेरी मेहनत के लिए गाइज सब्सक्राइब कर देना चाहिए, और आप लोगों का सोल्यूशन भी आपके लिए है गाइज, तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन का बटन दबा देना, ताकि मेरी आपसे कोई भी मजीद से रिलेटेड वीडियो हो वो आप तक सबसे पहले पहुँच जाएगा। जैसा कि आपने शुरू में देखा मेरी स्लो मोशन गेम चल रही थी, वो आपको कैसे करना है मैं आपको बता दूंगा। लेकिन गाइज मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना। तो अभी बताते हैं आपको कैसे करना है उसको यार। स्लो मोशन के लिए आपको यहाँ पर सेटिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपको वर्चुअल कीबोर्ड पे आना है, यहाँ पे सेटिंग पे क्लिक कर देना है, ठीक है। अभी आपको अपना कीबोर्ड लेना है गाइज, मैं आपको एक एक स्टेप समझा रहा हूँ गाइज, आपके लिए बिल्कुल हेल्पफुल स्टेप होंगे गाइज। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यहाँ पे गाइज आपको यहाँ पे आना है, एंड यहाँ पे पीसी मोड ले लेना है गाइज। ये आपको मैं बता रहा हूँ गाइज, यहाँ पे ऊपर आपको कीबोर्ड का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर क्लिक कर लेना गाइज। अब गाइज यहाँ पे आपको कैप्स का ऑप्शन मिलेगा जो आपके लिए स्लो मोशन गेम करेगा, ये देख सकते हो गाइज। ये कैप्स का ऑप्शन है, कैप बटन, ये कैप बटन आपको यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे गाइज मैंने यहाँ पे ऑलरेडी एक कैप बटन है वो सेलेक्ट किया हुआ, आप ये चेक कर सकते हो गाइज। ये एक कैप बटन मैं आपको दिखा देता हूँ, ये मैंने ऑलरेडी सेलेक्ट करके इसको बड़ा किया हुआ। अगर आपको बड़ा नहीं करना आता तो ये छोटा आपको नजर आ रहा है इधर, ये वाला, यहाँ पे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और मैं यहाँ से इसको बड़ा कर लेता हूँ। और ये देखो यार ये दोनों कैप बटन आ गए, तो मुझे यहाँ पे एक को डिलीट करना होगा यहाँ से, तो मैं एक को यहाँ से कर लेता हूँ यार डिलीट, और ये मैंने इसको कर दिया डिलीट। अब ये कैप बटन आ गया। अब यार अगर आप कैप बटन निकालते हो, आपके पास बटन नहीं है, तो उसका सोल्यूशन मैं आपको बताऊँगा, आपको फिर से कीबोर्ड पर जाना है। अब गाइस आप लोगों को तो पता नहीं यार डब्ल्यू एस आपकी गाड़ी आगे जाती है, किसको पता गाइस, तो आपको डब्ल्यू सेलेक्ट कर लेना है। डब्ल्यू को यहाँ से अभी आपको जो जो बटन चाहिए वो सब सेलेक्ट करके यहाँ पे मंगवा लो, डब्ल्यू एस ए डी और यहाँ पे, और मुझे कौन सा चाहिए गाइज भागने के लिए, मुझे एक तो एफ ई बटन चाहिए जिससे मैं अंदर लेके जाऊँगा। और गाइज सब कुछ मैंने कर लिया, अभी मुझे इसकी प्रॉपर सेटिंग करनी होगी, मुझे कहाँ कहाँ बटन रखने हैं। अगर आपको प्रॉपर सेटिंग करने आती तो आप कर सकते हो, मुझे पता है मैं कैसे अपनी सेटिंग करूँगा। तो गाइज मुझे यहाँ पे डब्ल्यू को इधर रखना है, एस के एस को इसके नीचे रख देना गाइज। ये मैं आपको समझा रहा हूँ, आपको समझ आ जाएगी अगर आप मेरे स्टेप दिए फॉलो करो। और मैं ए और डी और ए बटन यहाँ पे दे दूँगा, मैं इसको भी बड़ा कर लूँगा, एक बार क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और ये मैंने बड़ा कर दिया, इसको भी मैं एक बार क्लिक करूँगा, एंड इसे मैंने बड़ा कर दिया, ठीक है। अभी इस एस को भी क्लिक किया और इसको भी मैंने बड़ा कर दिया यहाँ से। अब बड़ा करने के लिए गाइस साइज़ को, साइज़ बड़ा करने के लिए ये बटन आपको नज़र करना है और इसको साइज़ बड़ा करना गाइस, और इससे साइज़ आपका बड़ा हो जाएगा गाइस। मैं सच बता रहा हूँ, मेरी काफ़ी मेहनत के बाद मुझे ये समझ आया, मैं सच बता रहा हूँ, मैंने किसी की भी वीडियो नहीं देखी, मैंने खुद सर्च किया है। तो यार आपका एक सब्सक्राइब मेरी बड़ी सपोर्टेज है, तो आपको यहाँ से इसको रिटर्न करके सेव कर लेना है। और गाइज अभी जो है आप लोगों का स्लो मोशन ये कैप्स बटन से होगा। अभी मैं आपको समझता हूँ, ये सारे बटन आपको नज़र आ रहे हैं और ये सारे बटन नज़र आ रहे हैं। इसमें जो एफ़ बटन है उससे आपकी गाड़ी से आदमी उतरेगा, और ए डी से आपकी गाड़ी मुड़ेगी, और डब्ल्यू एस से पीछे आगे जाएगी, और कैप से आपकी स्लो मोशन होगी। तो मैं बताता हूँ स्लो मोशन कैसे करना है। यहाँ से मैं ये देखो डब्ल्यू दबाया और मेरे लिए बिल्कुल आसान हो चुका गाइज। आप भी आपको नहीं पता ना गाइज, लेकिन मुझे जो आसानी हो रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ गाइज। अब गाइज मुझे लगता है मेरे साथ कुछ बटन एक्सचेंज करने पड़ेंगे गाइज, चेक करता हूँ गाइज। अभी गाइज मैं एस दबाता हूँ ना, और मैं जब ए दबाता हूँ तो गाइज मैं डी दबाता हूँ, किस तरफ जाती है गाइज? तो गाइज ठीक जा रही है, बिल्कुल ठीक जा रही है। नहीं गाइज नहीं गाइज नहीं गाइज नहीं 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 गाइज गलत जा रही है लगता है। चलो गाइज फिर भी आप लोग सेटिंग कर लेना, जो ए वाला था मुझे डी के राइट साइड पर करना था, लेकिन लेफ्ट साइड पर कर दिया। चलो खैर है गाइज, अब गाइज स्लो मोशन करने के लिए आपको अपनी गाड़ी को बिल्कुल फास्ट करना है, ठीक हो गाइज? आपके सामने मैं फास्ट कर रहा हूँ कार को, और अभी आप चेक करना गाइज, मैं जिधर भी मुड़ूंगा मैं अपने स्लो मोशन को कैप्स बटन दबाऊंगा। तो मुझे यहाँ पे मुड़ना है, मैं कैप्स बटन दबाया गाइज, और ये देखो स्लो मोशन आपके सामने हो चुका गाइज।
और यार कितना मस्त हो रहा है गाइज आपके सामने यार, रियल हो रहा था गाइज, आप चेक की कर सकते हो गाइज, रियल ये देख सकते हो गाइज, रियल है, रियल फेक बता रहा हूँ तो आप मेरे मुझे मार दो गाइज, सच बता रहा हूँ, रियल है गाइज, रियल रियल बता रहा हूँ ना, रियल बता रहा हूँ। प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना यार, आपका बहुत ही शुक्रिया होगा गाइज, आप देख सकते हो यार, आप लोग सपोर्ट करो मुझे, इस तरह मैं आपके लिए वीडियो लाऊंगा रियल रियल, ठीक है गाइज। तो यार आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो की मुझे उम्मीद है गाइज, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, मिलते हैं एक नए जबरदस्त वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक।